कल रात के टेलीकास्ट एपिसोड में राधा कृष्ण की कहानी में क्या होगा, चलिए आपको देते हैं क्विक रिकैप। आप देखेंगे कल रात के आने वाले एपिसोड में कि राधा पर एक बार फिर से सांप सारे दोष अर्पण करेगा और कहता आएगा नजर कि द्वारका में रहकर राधा ने आखिर किया ही क्या है, केवल प्रलय ही लाई है, ये द्वारका के लिए संकट है और बस। आप सब इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? राधा सांप की ये बेबुनियाद बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगी और गुस्से में कहेंगी कि मेरे तप से मैं सूर्यदेव को प्रकट करूँगी, मेरे कृष्ण के लिए मैं भी जल के नीचे जाऊँगी और तप करूँगी, और तब तक करूँगी जब तक कि ये संकट टल ना जाए। ये कहकर राधा जलमग्न हो जाती हैं और जल में बैठकर अपना ध्यान अर्जित करने लगती हैं, जिसे देखकर श्री कृष्ण को चिंता होती है और वो कहते आते हैं नजर कि राधा ने आज अपने प्राण दांव पर लगाए हैं संसार के प्राण बचाने के लिए। दूसरी ओर जैसे ही सांप को पता चलता है कि उसी के समान राधा रानी भी जल में जाकर के घनघोर तपस्या कर रही हैं सूर्यदेव को अवतारित करके उनकी शक्ति बढ़ाने की, तो सांप यहाँ पर अपनी ही गुस्से में खोल जाता है और कहता है कि आज किसी भी स्थिति में मैं राधा का तप नष्ट करके ही रहूँगा, क्योंकि राधा द्वारका में रह ही नहीं सकती। अब ऐसे में देखना होगा बेहद दिलचस्प कि सांप क्या राधा रानी की तपस्या को विफल कर पाएगा, या फिर राधा रानी अपनी अंदर की शक्ति को जगा करके, अपनी प्रेम की शक्ति को जगा करके सूर्यदेव की शक्तियां पुनः लौटा पाएंगी और वो एक बार फिर से चांद पर विजय कर पाएंगी सूर्यदेव की सहायता से। ये सब कुछ आने वाले एपिसोड में देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प। लेकिन आप सबको क्या लगता है कि क्या होगा, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत? आप अपनी राय कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। Yeah.